उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष ने महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आगे कर एक बड़ा सियासी दांव खेला है। विपक्ष के इस फैसले से पीएम मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर पूरे विपक्ष को अलग थलग कर दिया था, वैसी संभावना इस बार नजर नहीं आने वाली। गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनने की सियासी वजहें भी हैं। महात्मा गांधी के सबसे छोटे पौत्र गोपाल गांधी की पारिवारिक जड़ें गुजरात में हैं। इस लिहाज से विपक्ष को लगता है कि उनके उम्मीदवार बनने से पीएम मोदी के लिए भी राजनीतिक स्थिति सहज नहीं होगी। इसके साथ ही एनडीए भी उनका विरोध करे या ना करे, इसको लेकर भी काफी विचार करना होगा। दूसरी तरफ गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर ज्यादातर दल विपक्ष के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं से गोपाल कृष्ण गांधी के अच्छे रिश्ते हैं। कांग्रेस ने साल 2004 में उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था। उस दौरान पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी। तब तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी गोपाल कृष्ण गांधी की प्रशंसक रही थी। इस लिहाज से माना जा रहा है कि तृणमूल भी उनके नाम पर मुहर लगाने में गुरेज नहीं करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर भी विपक्ष में आ सकते हैं। ये एक तरीके से विपक्ष को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है।